अस्तिन क्रमांक 3। उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें इस बेल आइकन पर, इससे आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलेगी। लगने वाला साहित्य, दो रंगों का कपड़ा, अस्तर और आवश्यक नाप। पहले हम कागज पर नाप आंकने वाले हैं। यहाँ पर पूरी लंबाई अधिक 1 इंच ले, बगल की लंबाई सभी के लिए 3 से 3.5 इंच ले। यहाँ पर रेखा आंक ले। यहाँ पर दंड घेरे का आधा हिस्सा ले। यहाँ पर दंड घेरे से 1.5 इंच ज्यादा ले। साइड्स जोड़े, उसके बाहर 1 इंच सिलाई मार्जिन रखे। दिखाए अनुसार बैक बगल का आकार दे, उसी तरह फ्रंट बगल का भी आकार दे। नाप अनुसार अस्तिन कट कर ले। दिखाए अनुसार फ्रंट बगल का आकार भी कट कर ले। दिखाए अनुसार पेपर अस्तर पर रख कर कट करें। इस हिस्से पर हम अलग रंग का कपड़ा लगाने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर 1 इंच ऊपर ले और तिरछी रेखा जोड़े। उसके ऊपर 3 इंच पर मार्किंग करें। और तिरछी रेखा जोड़े। दिखाए अनुसार कागज कट कर ले। दिखाए अनुसार ऊपर का हिस्सा लाल रंग के कपड़े पर रखें। नीचे की तरफ हम 3 गुना ज्यादा कपड़ा कट करेंगे। यहाँ मध्य पर हम चून लेने वाले हैं। अस्तिन का दूसरा हिस्सा हमने ब्रोकेड के कपड़े पर एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ कट कर लिया है। इन दोनों हिस्सों को 1 और 2 क्रमांक दे। इस तरह हमने अस्तर पहला और दूसरा हिस्सा कट कर लिया है। यहाँ पर लाल कपड़े का मध्य निकाले।
दिखाई अनुसार यहाँ पर चून लेकर सिलाई करें। चून पर अच्छे से इस्त्री कर ले। दिखाई अनुसार दो नंबर का हिस्सा लाल रंग के कपड़े पर नीचे जोड़े। इस तरह दोनों हिस्सों को जोड़े। यहाँ पर नोच दे। यहाँ पर हम डेकोरेटिव लेस लगाने वाले हैं। इस तरह हमने लेस जोड़ ली है। दो नंबर के हिस्से अनुसार अस्तर पर नीचे का आकार कट कर ले। कपड़े की सीधी तरफ अस्तर रखें। और नाप अनुसार कट कर ले। नीचे की तरफ सिलाई कर ले। यहाँ पर नोच दे।
और अस्तर को पलट ले। दिखाए अनुसार चून पर डेकोरेटिव कुंदन लगा ले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब आप हमारी सारी किताब www.fashioncuttings.com इस वेबसाइट से खरीद सकते हो।